नमस्कार, मैं पंडित हरीश शर्मा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम देवगुरु बृहस्पति की जो वक्री स्थिति हो रखी है 20 जून से आपकी 18 अक्टूबर तक, लगभग 120 दिन, वो तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर के आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आइकन है जिसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज जो भी ये राशिफल वक्री गुरु का ये सीरीज चल रही है वो आपकी चंद्र राशि से है, मतलब जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है उसको लगन मान करके हम इसको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो ये चंद्र राशि से है जो भी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगभग 120 दिन के लिए वक्री स्थिति में चलने वाले हैं, और जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसमें शुभत्व देने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, वो अपने शुभ प्रभाव जो है वो बहुत तीव्रता से देने शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय माना जाता है कि वो एक तरीके से स्वच्छंद हो गया है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो जब भी हम, ये हमारा मनुष्य का भी स्वभाव है कि जब भी हम स्वतंत्र होते हैं या जब हम पे कंट्रोल नहीं होता है तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से जो है वो विकसित कर पाते हैं या अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दे पाते हैं। तो वही स्थिति जो है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ भी समय चल रही है। और तुला राशि वालों की जो बात हम कर रहे हैं चंद्र राशि से, तो इनके आपके चतुर्थ और पंचम भाव में जो है वो उसका संचार हो रहा है। तो ये चतुर्थ और पंचम भाव के फल देंगे। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति को पंचम और नवम दृष्टि भी दी गई है, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं धर्म से है और हमारे अध्यात्म से भी देखा जाता है और भाग्य से भी देखा जाता है। तो यहाँ पर इसको नवम पंचम दृष्टि दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये देवगुरु बृहस्पति का जो वक्री स्थिति में गोचर है आपके 6 भावों पर दृष्टिपात करेगा, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शुभ ग्रह है और शुभत्व देने की पावर इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब आप देखिए इस चीज़ को कि आपके जो तुला राशि वालों के लिए ये पंचम भाव में संचार कर रहे हैं, और पंचम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति का संचार हो तो शुभ माना जाता है कि द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश स्थान में बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ होता है। तो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से इस समय पंचम भाव में इसका संचार हो रहा है। अब पंचम भाव में संचार होगा तो यहाँ पर क्या करता है गुरु जो है वो फाइनेंस का कारक भी है, धन का पोर्टफोलियो भी इसके पास है, क्योंकि द्वितीय भाव का कारक है। तो यहाँ पर आपकी धन की वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है, और वो जो धन होगा उसका आपका सदुपयोग होगा, मतलब अच्छे कार्यों में उसका खर्च होगा। नहीं तो अगर वही गुरु 12वें भाव से रिलेटेड अगर रिजल्ट देता है देवगुरु बृहस्पति तो वो हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च होता है या कहीं और रोग पे खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर जो पंचम भाव में आपका बृहस्पति गया है वो यहाँ पर सदुपयोग होगा उस धन का, मतलब किसी धार्मिक कार्य पर या शिक्षा के लिए आप व्यक्ति को बाहर जाना पड़ सकता है तो वहाँ उसका पैसा खर्च हो रहा है, मंदिर के लिए आप वो दान पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, कोई भी जो भी अच्छा कार्य है, चैरिटी कर रहे हैं, तो इस समय आपके धन का सदुपयोग होने वाला है। और खास करके जो लेन देन का व्यापार करते हैं, मतलब कि छोटे मोटे क्रय विक्रय जो करते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद का समय है। इस समय आपको जो खास चीज़ दिखाई दे रही है वो ऐहिक सुख और मनोरंजन की दृष्टि जो से अगर इसको देखें तो वो भी बेहतर स्थिति बन रही है, क्योंकि पंचम भाव हमारे मनोरंजन का भाव भी होता है। तो व्यक्ति मनोरंजन तभी कर पाता है जब उसको कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति हो रही होती है या जब वो कंफर्टेबल जोन में होता है, तभी वो आप जो है हम सभी लोग जो है वो अपने उसके तरफ ध्यान देते हैं, मनोरंजन की तरफ। तो उस तरफ से मनोरंजन की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा गोचर आपका चल रहा है, और संतान प्राप्ति का बहुत उत्तम समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो संतान के कारक भी माने जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो है मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको, है ना, उच्च अध्ययन के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। यहाँ पर मंत्रणा शक्ति यहाँ पर बहुत प्रबल तेज हो जाती है व्यक्ति, तो यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है फिर अच्छी एडवाइजेस देनी शुरू कर देता है, उसकी एडवाइस जो होगी वो अच्छी होगी, चाहे वो फिर गवर्नमेंट साइड में कोई सेक्रेटरीज है उसकी एडवाइस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम प्रसन्न बनाता हुआ नजर आ रहा है कि प्रेम कोई संबंध आपका बन जाएगा, अचानक धन लाभ आपको क्रिएट कर रहा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में जो है मैंने कहा कि देवगुरु बृहस्पति जो शुभ परिणाम देते हैं, तो धन लाभ आपको अचानक मिल सकता है, बच्चों के साथ आपके संबंध इस समय सुधर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत चल रही थी तो वो सुधर जाएगी। और मैंने कहा कि जब ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे
उसको पीछे मुड़ने की उस कैपेसिटी रहती है। तो जो पिछले आपके संबंध, अगर आपके प्रेमी प्रेमिका से, आपके लवर से जो भी खराब हो रखे थे, उसे सुधारने का समय है। क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है वो पीछे की जो भी चीज़ है उनको कहता है कि इनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो आप जो है अपने कोई, अगर आपके संबंध खराब हो रहे थे तो उसको पैचअप करके उस पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ पर जो है वो अच्छे से आप उसके रिजल्ट तभी ले पाएंगे कि अपने जो है वो रिलेशंस पे आपको प्रॉपरली टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये तुला राशि को बता रहा है। और क्योंकि फिर इसकी वक्री दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर भी होगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। झगड़ा बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है ना वो आपकी शत्रु ना पैदा कर दे आपको, और शत्रु से फिर आपको कष्ट हो सकता है, मानसिक जो है आपकी शांति भंग हो सकती है, सुख में कमी करता हो। तो इसलिए आप जो है वो पहले ही अवॉइड कर दीजिए, शत्रु बनाने की जरूरत ही नहीं। अपने व्यवहार को बिल्कुल सीधा साधारण कर दीजिए और किसी से आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देने शुरू कर देगा देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, और मैंने कहा कि इस समय जो है आप अपने घर पर, कुटुंब परिवार पर ध्यान दीजिए, उस समय माता पिता पर ध्यान दीजिए। ठीक है, घर की कोई रेनोवेशन है तो आप वो करवा सकते हैं। पीछे जो भी काम किया है उसको आप थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, उसको परिष्कृत करेंगे, तो ये देवगुरु बृहस्पति आपको ये कह रहे हैं। उसके बाद इसकी एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी। तो अष्टम स्थान जो होता है वो हमारे ससुराल का स्थान होता है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बृहस्पति कह रहा है, क्योंकि वक्र दृष्टि से देख रहा है, तो उनके साथ जो संबंध अभी पीछे जैसे भी खराब हो रखे थे या जो भी थे, उनको सुधारने का समय आ गया है, या उस पर इन्वेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का समय है। थोड़ा वहाँ ध्यान दीजिए। अगर उनके प्रति, उनके मन में आपके प्रति कोई बुरी भावना है तो उसे आप दूर करने की कोशिश कीजिए, और अगर वो वहाँ पर जितना भी अच्छा समय देंगे, टाइम उनके पास देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है कोई आपको पुराना रोग जो है वो तंग ना करे, क्योंकि अष्टम भाव हमारी जो है रुकावट का, रोग का, इस तरह से चीज़ें देखी जाती है, लॉन्ग डिजीज जो होती है लंबी समय की। तो यहाँ पर ये कोई पुराना रोग ना आ जाए, तो इसलिए अपने खान पान को आप थोड़ा शुद्ध रखिए, आचरण अपना शुद्ध कीजिए, है ना, और वॉक कीजिए आप उसके साथ साथ, मेडिटेशन, ध्यान, जितने भी ये ओकल्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप जितना ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। उसके अलावा आप अपनी जॉब पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको जॉब में परेशानी हो सकती है, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए आप अपनी जॉब पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और ताकि आपको किसी को मौका ही ना मिले कि आपको तंग कर पाए। ठीक है, उसके बाद इसकी दृष्टि आपकी नवम भाव पर होगी, भाग्य स्थान पर। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर माना जाता है देवगुरु बृहस्पति का गोचर, मैंने कहा नवम भाव पे, और यहाँ उसकी दृष्टि भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको ये धन प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ दिलाता हुआ नजर आ रहा है, उसमें वृद्धि होगी, दिलाएगा भी और साथ में वृद्धि होगी। जो पहले आपके पास धन था उसकी वृद्धि होती जाएगी, उसमें बढ़ाव हो जाएगा। संतान का कोई जन्म हो सकता है और उससे घर में उत्सव का माहौल बन सकता है, मतलब खुशियाँ आपके घर में आती हुई नजर आ रही है। और भाग्य में ये विशेष उन्नति कर रहा है, विशेष शब्द में मैं बल दे रहा हूँ, विशेष उन्नति यहाँ पर आपके भाग्य में करता हुआ नजर आ रहा है। राज्य से आपको मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है, पद प्रतिष्ठा मतलब प्रमोशन हो सकती है, या जॉब जिसके पास नहीं है उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज ये गुरु करता हुआ नजर आ रहा है। और धार्मिक कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है, और प्रत्येक कार्य में एक तरह से कह सकते हैं आपको सफलता ही दिलाता हुआ नजर आ रहा है, जो नवम भाव पर इसकी दृष्टि है। और दशम भाव पर भी इसकी जब दृष्टि होगी तो व्यवसाय में ये उन्नति करवाता है, व्यवसाय में उन्नति के चांसेस देगा। और मैंने जैसे कहा कि राज्य पक्ष से आपको इस समय लाभ होने की संभावना है, आपकी कार्य की सराहना होगी, कि जो भी आपने कार्य पीछे किए होंगे उसकी सराहना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जॉब में प्रमोशंस आपको मिल सकता है, वित्तीय लाभ मीन्स फाइनेंशियल इंक्रीमेंट आपको कहीं लग गई जॉब में। ठीक है, तो हर कार्य का रास्ता इस समय आपका ये देवगुरु बृहस्पति खोलता हुआ नजर आ रहा है। जो पीछे अभी आप दिक्कतें देख रहे थे तो वो एकदम से जब ये आएगा अभी, तो विशेष आपको ये इसके भाग्य की उन्नति करेगा, और आपके जो भी कार्य के रास्ते वो बंद थे वो खुल जाएंगे। ठीक है, राज्य की तरफ से मैंने कहा पुरस्कार प्राप्ति हो सकती है ना, और इसके साथ साथ हो सकता है आपके किसी उच्च सरकारी अधिकारी से मेल मिलाप हो जाए, या आपके संबंध उसके साथ बन जाए, जिससे आपको आगे जाकर के फायदा होगा। उसकी देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि जो है वो आपके एकादश स्थान पर होती है। तो एकादश स्थान जो होता है वो हमारी कार्य सिद्धि का होता है, मतलब कि फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का होता है, इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। तो जो भी इच्छाएं आपके मन में हैं वो इस समय पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको सब कुछ दिलाएगा, लाभ स्थान भी है, तो हर तरह से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी यहाँ भी बहुत अच्छा है, आपके अग्रज जो हैं सीनियर्स का आपको सहयोग यहाँ मिलेगा, फ्रेंड सर्कल आपका यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एकादश स्थान पर भी देवगुरु बृहस्पति जो है वो अच्छे रिजल्ट देता है।
तो पैसों वाइज भी ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ये है आपका तृतीय भाव का और छठे भाव का स्वामी बनता है देवगुरु बृहस्पति। तो एकादश स्थान पर जाने पर जो है वो इस भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति भी अच्छी है। द्वादश भाव में देखता है तो यहाँ पर ये शत्रुओं पर विजय दिलाता हुआ नजर आ रहा है आपको, और जो आपका व्यय होगा वो धार्मिक कार्यों पर व्यय होगा और सरकारी पक्ष से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई फौरन में बनेगी, क्योंकि जो आपका संबंध इसका बनेगा वो फौरन से कहीं ना कहीं कोई संबंध बनता हुआ, 12th हाउस मेरे फौरन का है तो फौरन से कोई ना कोई संबंध आपका मिलता हुआ नजर आ रहा है। और खर्चे जो हो सकते हैं मैंने आपको धर्म पे आप खर्चा कर सकते हैं, या उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जो स्टूडेंट्स प्रयासरत हैं तो फौरन जाना है तो वहाँ से भी वो फायदा ले सकते हैं। और ये जो है वो बुध की राशि में गया है और जो उसकी राशि नवम भाव में, तो भाग्य में ये भी आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ से भी वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।